तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो आपको स्क्रीन पर तीन तरह की जो हीटर की प्लेट दिख रही होगी वो कितने कितने एमएम की आती है और वो कौन कौन से हीटर में, ये वाली कितने वाट के हीटर में लगती है, ये कितने वाट के हीटर में और ये कितने वाट के हीटर में जो प्लेट है वो लगती है। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा कितने एमएम की आती है, कौन से हीटर में कितने वाट के हीटर में लगती है और इनमें जो स्प्रिंग है वो कैसे लगाएं, वो भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए। यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बाबू इलेक्ट्रिक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हीटर की सबसे छोटी जो प्लेट आती है वो मैं आपको बता दूं, वो उसकी साइज़ आती है 178 mm। हाँ दोस्तों 178 mm आती है इस हीटर की प्लेट आती है वो। अब मैं आपको बता दूं जो ये हीटर की जो प्लेट आती है वो मिट्टी की बनी होती है और इसमें स्प्रिंग लगाना मैंने मेरे चैनल पर 2 से 3 वीडियो डाल रखी है, तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों वो भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा अगले वीडियो में कि हीटर में स्प्रिंग कैसे लगाए, कितने वाट की लगाएं, वो भी मैंने पहले तो वैसे तो मैंने मना रखी है वीडियो, लेकिन आगे भी मैं आपको बना दूंगा। तो आपको बता दूं सबसे पहले कि ये 178 mm की आती है और जो दूसरी इससे बड़ी आती है हीटर की प्लेट वो आती है 190 mm। हाँ दोस्तों 190 mm। और जो सबसे बड़ी जो हीटर की प्लेट आती है वो आती है 215 mm। हाँ दोस्तों 215 mm, फिर आती है 190 mm और फिर आती है 178 mm। आपको मैं थोड़ा दूर से बता देता हूँ, आप भी पता लग जाओगे कि सबसे छोटी ये, उससे बड़ी ये और उससे बड़ी ये प्लेट है। तो अब आपको बता दूँ, बात करते हैं कि एमएम की, तो बात हो गई कि ये 178 mm की है, ये 190 की है और ये 215 mm की है। लेकिन बात अब आती है कि तीन तरह के हीटर होते हैं, 1500 वाट, 2000 वाट और एक होता है 3000 वाट। तो जो 3000 वाट की जो हीटर होता है उसमें कौन सी प्लेट लगती है वो भी तो पता चले। तो सबसे पहले आपको बता दूं जो 178 mm की जो हीटर की प्लेट आती है वो लगती है, 1500 वाट का जो हीटर आता है उसमें 178 mm की प्लेट लगती है। फिर आती है 190 mm की बात, 178 mm में तो 1500 वाट का हीटर आ जाता है, 190 mm का जो हीटर की प्लेट आती है इसमें आता है 2000 वाट का हीटर। तो कभी आप दुकान पे जाओगे तो आपको तीन तरह की भट्टी, आपको जो भट्टी बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं, वो आपको नज़र आएंगी और आपको हीटर भी आप निकलवा के देखना, ये 1500 वाट का हीटर, ये 2000 वाट का हीटर, ये 3000 वाट का हीटर आपको हीटर में मिलेगी। तो 190 mm की आती है वो 2000 वाट के हीटर में मिलेगी और 215 mm की जो हीटर की प्लेट आती है उसमें लगेगी 3000 वाट का हीटर में ये लगी आपको मिलेगी। तो दोस्तों इसकी बनावटी कुछ इस हिसाब से है कि स्प्रिंग आप उस हिसाब से लगा सकते हो जिसमें पेच वगैरह आपको 4 छेद दिख रहे होंगे और बगल में हीटर का जो सारा आता है, मैंने वीडियो बना दिया लेकिन आगे भी मैं वीडियो बना दूंगा इसकी सुविधा के लिए। तो दोस्तों 215 mm की जो हीटर की प्लेट आती है उसमें 3000 वाट का हीटर और 190 mm में 2000 वाट का हीटर और 178 mm में जो लगता है वो होता है 1500 वाट का हीटर। तो दोस्तों मिट्टी की बनी होती है और हीटर में स्प्रिंग कैसे लगाए वो अगली वीडियो में बता दूंगा और हीटर कौन सा खरीदे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों हीटर की प्लेट अगर आपका 1500 वाट का हीटर है तो आप 178 mm की, अगर आपका जो हीटर है 2000 वाट का है तो आपको 190 mm की, और अगर आपका हीटर 3000 वाट का है तो आपको 215 mm की जो हीटर की प्लेट है वो खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दे दी कितने एमएम की आती है, कौन से हीटर में लगती है, कौन से हीटर के लिए ख़रीदे आप, तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। तो वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी कई वीडियो मिलती रहती है, आगे भी आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें।